जय गजानन। गणगण गणात भूते शेगांव के संत श्री गजानन महाराज को भगवान दत्तात्रेय और भगवान गणेश का अवतार माना जाता है और तीन अवतारों में से एक माना जाता है। अन्य दो अवतार है शिरडी के श्री साई बाबा तथा कलकुट के श्री स्वामी समर्थ। महाराज को सर्वप्रथम शेगांव में सन 1878 में देखा गया और तभी से उनके असीम ज्ञान, सादगी तथा अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति से समस्त जनमानस तथा उनके भक्त लाभान्वित होते आए हैं। श्री गजानन महाराज के जन्म स्थान तथा जन्म दिनांक के बारे में इतिहास में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दुनिया भर में उनका प्रगट दिन धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हें 23 फरवरी 1878 को शेगांव के श्री वेंकटलाल अग्रवाल जी ने बरगद के पेड़ के नीचे भरी दोपहर की धूप में झूठी पत्तलों से चावल के दाने उठाकर खाते हुए देखा था। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि वे झूठी पत्तलों से भोजन उठा के क्यों खा रहे हैं, जबकि पास के ही एक परिवार में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, जहां बच्चे के जन्म की खुशी में पूरे गांव को भोजन कराया जा रहा है। वेंकटलाल जी के इस प्रश्न पर महाराज जी ने उत्तर दिया, अन्नम ब्रह्मेति, यानी अन्न ब्रह्म स्वरूप है और उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्न का सदुपयोग करना चाहिए। यही गजानन महाराज जी का प्रथम दर्शन था। भक्तजन उन्हें धन, दौलत, कपड़ा, खाना आदि दिया करते थे, पर वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। श्री गजानन महाराज पशु पक्षियों की बोली समझते थे। वे योगासन के महान आचार्य थे। श्री गजानन महाराज सिद्ध योगी थे, साक्षात परमेश्वर थे। उनने अपने जीवन में इतने चमत्कार किए कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। आज दुनिया भर में श्री महाराज जी के अनुयायी सब जगह है। उनके दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र, भारत के अन्य प्रांत तथा विदेशों से भी शेगांव आते हैं। यही कारण है कि शेगांव में वर्ष भर मेले जैसा माहौल रहता है। जय गजानन। गणगण गणात भूते।